Hey, good morning, Chikas. Good morning, everybody. Okay, आप सब को सर समझकर कल का संडे बहुत तो भाई बिताया है आपको, है ना? क्योंकि आपको स्कूल है, होने से भी आपके पापा मम्मी को रजा छुट्टी रहता है, इसलिए आप सभी घूमने जाते हैं, जाकर कुछ ना कुछ सीख कर आके रहते हैं, देखे रहते हैं। चलो, आप तो बहुत खुश है। सवेरे का नाश्ता हुआ समझ कर आज का क्लास शुरू कर रही हूँ। ओके, कल का क्लास क्या हुआ था? ओके, आपको याद है क्या कल का क्लास हुआ था? किसान, किसान ना कैसे रहता है, क्या करता है और कब उठता है, हम सबको क्या देता है, उसका मेहनत कैसे रहता है और हम सबका महान व्यक्ति भी है ना चिल्ड्रन? ओके, ये चिल्ड्रन अभी किसान के बारे में आप तो जानकारी पा रहे हैं, लेकिन आप कहाँ क्या ये सब आपका क्वेश्चन होता है। ये कहाँ आप कौन सी एक प्लेस में जाते हैं, देखते रहते हैं, उसके बारे में एक चार लाइन को आप समझते हैं क्या लिखना है, कैसे लिखना है, हम क्या देखते हैं, ये सब तो आपको एक बार रिमेम्बर होता है। ये रिमेम्बर होते साथ ही हम आपको क्या सोचते हैं, ये कैसे लिखना है, ये रसम के रूप में लिखना है या पोएम के रूप में लिखना है, ऐसे सोचते सोचते आपको कुछ क्या फॉर्मेट फेटलाइन आपको दिखी ही जाते हैं। उसके कैसा था, क्या था, वो देखने से हमें क्या फायदा मिला, ये फायदे से क्या रहा, ये सब भी आपको एक चार लाइन में लिखते हैं। ये चार छोटे छोटे लाइन में लिखने से ये पोएम होता है, बड़ा लाइन में लिखने से ये ऐसे होता है। चलो, हम अब छोटे छोटे ये क्या देखते हैं इसके बारे में चार लाइन लिखने का एक छोटे छोटे कविता में हम आज सीखेंगे। ये छोटे छोटे कविताएं क्या है आज के लेसन, छोटे छोटे छोटी छोटी कविताएं, हम छोटे छोटे कविताएं आज सीखेंगे। क्या है छोटे छोटे कविताएं? अब हम आपको एक क्या कुछ देते हैं, उसके क्या बारे में क्या समझ में आता है। देखो, यहाँ झरना है और यहाँ आम है, एक पेड़ है, एक छोटे छोटे पुना है, इसके बारे में एक चार लाइन लिखना है आपको। हम बोलते हैं आप लिखते हैं, ऐसा आज एक स्टूडेंट ने लिखा है, हम आपको आज में बताते हैं। अब एक छोटा सा कविता आपको पढ़ते हैं, आप सुनो। देखो, यहाँ जो है जो क्या है, एक चिड़िया है, यहाँ हरी हरी डालियाँ हैं, ये तितलियाँ हैं, फ्लावर्स है, इससे क्या पता लगता है क्या क्या है, हैं? कहाँ बैठी है वो तितली चिड़िया, ये सब हम देखने से कुछ चार लाइन लिखने के लिए ये समझ में आता है। चिल्ड्रंस नान हेल्थ करेंगे रही बैठे, ये मार्टो ये होते हैं, ಅಮೇ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಪಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ಏನಾದ್ರು ಮಾಡೋಕೆ ಹೋಗಿರ್ತೀವ, ನಾನು ಏನೇಳ್ತೀನಿ ಅಥವಾ ಟೂರ್ ಹೋಗಿರ್ತೀರಾ, ನಾವೇನೇಳ್ತೀವಿ ಏ ಆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಬರ್ಕೊಬರ್ರಿ ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣಗೆ ಪುರಾಣಿ ನಾಲ್ಕೇನು ಪ್ರಸ್ತಾವ ಪದ ಹಿಂಗೆ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಚುಟುಕ ಕವಿತೆಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ, ಅದೇ ನಾವು ಫುಲ್ ಲೈನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಲೈನು ವಾಕ್ಯಗಳು ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಪವಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನೋಡಿ, ಈ ಮರ ಇದೆ, ಈ ಮರದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣದ ಬರಿತಾ ಹೋದಾಗ ನಿಮಗೆ ಏನು ಉತ್ಸಾಹ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ
सेंटेंस नाल नाल में ना एडो पोएम चलो देखो 48 पेज नंबर मैं पढ़ती हूँ आप सुन फूलों से गीत हंसना सीखो कलियों से मुस्काना फूलों से गीत हंसना सीखो कलियों से मुस्काना जैनों से सीखो तुम कैसे जैनों से तुम कैसे सीखो आगे बढ़ते जाना आगे बढ़ते जाना फूलों से गीत हंसना सीखो कलियों से जैनों से सीखो तुम जैनों से सीखो तुम कैसे आगे बढ़ते जाना कैसे आगे बढ़ते जाना फूल मतलब में और एक बार फलों से नित हंसना सीखो कलियों से मुस्काना जैनों से सीखो तुम कैसे आगे बढ़ते जाना कैसे जैनों से सीखो तुम कैसे आगे बढ़ते जाना कैसे आगे बढ़ते जाना और एक इधर के डाल डाल पर चिड़िया चहके पात पात बीज बन बाहके फूल फूल पर तितली डोले रंगों से सबका मन मोहले रंगों से मन सबका मन मोहले डाल 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 पर चिड़िया चहके पात पात बीज फलमा महके पात पात पर फूलमा महके फूल फूल पर तितली ढोले फूल फूल पर तितली ढोल रंगों से सबका मन मोहले रंगों से सबका मन मोहले रंगों से सबका मन मोहले ओके और ऊपर डाल रंगों से सबका मन मोहले और एक बार दो भी एक बार बोलेंगे फूलों से नित हंसना सीखो कलियों से मुस्काना फूलों से नित हंसना सीखो कलियों से मुस्काना जैनों से सीखो तुम जैनों से सीखो तुम कैसे आगे बढ़ते जाना कैसे आगे डाल डाल पर चिड़िया चहके पात पात बीज फूलमा महके फूल फूल पर तितली डोले रंगों से सबका मन मोहले रंगों से सबका मन मोहले ओके और एक बार फलों से नित हंसना सीखो कलियों से मुस्काना जैनों से सीखो तुम कैसे जैनों से सीखो तुम कैसे आगे बढ़ते जाना आगे बढ़ते जाना डाल डाल पर चिड़िया चहके पात पात बीज फूलमा महके फूल फूल पर तितली डोल रंगों से सबका मन मोहले रंगों से सबका मन मोहले ओके अब देखो यहाँ फूल सभी है देखो यहाँ पेड़ है झरना है फल है ना फ्लावर्स है
डेली नित्य डेली और हंसना लाफिंग सी फॉर लर्न। देखो ये फॉलो से हम फूड से एवरी डे लाफिंग लर्न लाफिंग क्या सीखना है, सीखना है हंसने का। प्रतिदिन हमको हंसने का सीखना
डाल डाल कर
मन ही मन मुस्काना।